दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिडनी थंडर वर्सेस ब्रिस्बेन हीट का मैच जो का होने वाला है संडे को, उसके बारे में बात करेंगे। 4 दिन का समय था तो बहुत अच्छे से स्टडी किया इस मैच की, तो बढ़िया आपको स्टैट दूंगा। जो भी कुछ है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, सब मैंने मेंशन कर दी इसमें, तो आप अपनी बेस्ट टीम खुद बना सकते हो, कोई किसी से टीम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैच शुरू करने से पहले बोल दूँ, जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, और कमेंट अगर कुछ मिस हो रहा है मुझसे तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टॉस के बाद जो भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं या किसी प्लेयर को ड्रॉप या लेना पड़ता है, उसके बारे में मैं टेलीग्राम पर बताऊँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी लिंक को पिन कर दूंगा। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैच की तरफ चलते हैं। मैच की डिटेल की बात करो, संडे को मैच होने वाला है, दोपहर में अपने को मिलेगा 2:10 को। और वेन्यू की बात करें तो गाबा में होने वाला है, और गाबा है ब्रिस्बेन में, तो ब्रिस्बेन हीट का ये होम ग्राउंड है। वेदर की बात करें तो क्लाउडी वेदर है, बारिश की चांसेस नहीं है, अगर होती भी है तो मैच में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एवरेज स्कोर की बात करें तो 140 से 180 के बीच में स्कोर हो सकता है। पिच की बात करें तो 60% पेसर को सपोर्ट करेगा और 40% स्पिनर को सपोर्ट करेगा। तो ये सेकंड जो बैट जो फर्स्ट करने वाली है, जो भी टीम करेगी, उनके बॉलर जो स्पिन बॉलर है अपने टीम में सेकंड इनिंग में अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाउंस ही पिच होती है, तो ज़्यादा बाउंस होता है तो स्पिनर का बाउंस होके थोड़ा बैट्समैन को मिस हिट होता है, तो उसके वजह से बैट्समैन को खेलने में दिक्कत होती है, तो मे बी स्पिनर सेकंड इनिंग में अच्छा कर सकते हैं। डोमेस्टिक मैचेस की बात करते हैं, डोमेस्टिक मैच में बात करो तो इस ग्राउंड पे, सेम ग्राउंड पे 45 मैचेस खेले हैं अभी तक डोमेस्टिक के T20 के। उसमें फर्स्ट बैट करने वाली टीम 19 मैचेस जीती है और सेकंड बैट करने वाली टीम 25 मैचेस जीती है, और एक मैच टाई रहा है। हाई स्कोर इस पर 209 बना है 3 विकेट पे ब्रिस्बेन हिट ने बनाया, और लो स्कोर ब्रिस्बेन हिट का ही है, 109 रन बनाया है 4 विकेट को के। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 11 बार बना है, और 170 से 189 12 बार बना है, और 190 8 बार बना है। तो ऐसा कुछ यहाँ इसका लेखा जोखा था इस ग्राउंड का, तो आप बोल नहीं सकते अभी क्या होने वाला है इस मैच में, तो टॉस के बाद ही पता चलेगा। हीट टू हीट की बात करें तो 14 मैच हुए हैं, 14 में से 10 मैच ब्रिस्बेन हीट जीता और 4 मैच सिडनी थंडर जीता है। बैट फर्स्ट करते हुए 4 मैच ब्रिस्बेन हीट जीता है और 2 मैच सिडनी थंडर जीता है। बैट सेकंड की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट फिर भी आ गए, 6 मैच जीता है और सिडनी थंडर 2 ही मैच जीता है। तो हेड टू हेड में तो ब्रिस्बेन हीट टॉप रैंक पे है अभी। तो प्लेयर की बात करते हैं, जो कुछ भी इनका हाल ही का परफॉर्मेंस है, 5 मैचों की बात करें तो लास्ट मैच 5 मैचों की बात करें, क्रिस लिन के दिए 15, 34, 9, 27 फिर 32, ऐसा कुछ इसका स्कोरिंग पैटर्न है। इसने भी अभी तक बड़ा नॉक खेला नहीं, मे बी इस मैच में बड़ा कर सकता है, क्योंकि होम ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे टॉप स्कोरर क्रिस लिन है। उसके बाद ब्रायन की बात करें तो 32, 32, 68, 5 फिर 2 फिर 18, तो इससे ये भी बढ़िया प्लेयर है, पर अभी तक इससे भी जो जब से बिग बैच चालू हुआ तो बड़ा नॉक कुछ आया नहीं इसके तरफ से भी। उसके बाद डकेट की बात करें तो पहले मैच में अच्छा खेला, ये जो मैं जब मैं ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो 46 बनाया फिर 1 फिर 11, तो डकेट को भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो आप। उसके बाद हेजलेट भी बढ़िया प्लेयर है, हेजलेट ने लास्ट मैच में 45 किया था, उसके पहले 34 किया था, फिर फर्स्ट मैच में 42 किया था। और टाइम एबल की बात करें तो 26, 50, 14, 5, 9
ये 26 और 50 जो है डोमेस्टिक का है, और डोमेस्टिक का मतलब ये टेस्ट मैचेस का है रिकॉर्ड। तो T20 में तो अभी तो कुछ खास नहीं किया, 14, 5 और 9 ये इसका स्कोरिंग बैटिंग स्कोर है। उसके पार्किंसन की बात करें तो पेरिसन की बात करें कैप्टन है, पर अभी तो कुछ बढ़िया करा नहीं है इसने। 6, 3 और 6 और 4 तो अभी तक बैटिंग करने को चांस मिला, पर बड़ा नॉक कुछ खेला नहीं है, तो मे भी इसे ग्रैंड लीग में ट्राई करो। उसके बाद बेजली की बात करें तो पहले मैच में 3, फिर 14, फिर 16 और 3 विकेट लिया है, 3 मैचों में 3 विकेट लिया है। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया इसने बैट्स नहीं तो बॉल से, कुछ ना कुछ करके दे ही देगा आपको। एक्स बार्लेट एक ही मैच में इसको 0 विकेट मिला है, बाकी तो अच्छा किया है इसने। बार्लेट की बात करें तो 26, 35 और 3 विकेट लिया है इसने 3 मैचों में, उसमें से एक मैच में ये विकेट लेस रहा था। स्विप्सन की बात करें तो डोमेस्टिक में जो ये थे, डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक में जो टेस्ट मैचेस हुए थे उसमें इसने 4 मैचों में 7 विकेट निकाला है, और T20 में जो अभी खेला था उसमें 1 मैच निकाला है। और मुजीब रहमान की बात करें, लास्ट पाँच पाँच मैचों की बात करें तो 3 ही विकेट मिला है, और उसमें से 5 मैचों में से 2 मैचों में 0 रहा है इसका विकेट, विकेट ही नहीं मिला बंदे को। और गौथर की बात करें तो 3 मैचों में 4 विकेट है इसके। तो अभी सिडनी सिडनी थंडर की बात करते हैं, सिडनी थंडर के प्लेयर की बात करेंगे, सिडनी थंडर की प्लेयर की बात करें तो हेल्स हेल्स अभी तक फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है। लास्ट मैच में 28 किया था, उससे पहले 10, फिर 0, 19, फिर 3, ऐसा कुछ इसका लास्ट 5 मैचों का स्कोर है। तो बड़ा कुछ 5 मैचों से किया नहीं। वाइटमैन न्यू है, अभी तक उसने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया है, 11, फिर 10, फिर 4 ऐसा कुछ इसका स्कोर रहा है। तो प्लेयर तो अच्छा दिख रहा है, पर हिटिंग के चक्कर में हार्ड हिटर बैट्समैन ने तो हिटिंग के चक्कर में विकेट गंवा रहा है, तो मे भी कभी भी अच्छा नॉक खेल सकता है। उसके बाद जिंक्स की बात करें तो अच्छा इम्प्रेस किया इस सीज़न में इसने, 420 किया फिर 56 और लास्ट मैच में 7 रन पे आउट हो गया था। और उसके बाद रोस बिलिंग की बात करें तो लास्ट फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड मैच में अच्छा किया इसने, तो 45 किया था, 43 और लास्ट मैच में 9 किया था। रॉस की बात करें तो फर्स्ट मैच में 9 किया था, सॉरी फर्स्ट मैच में 61 किया था, फिर 17 फिर 77 किया था लास्ट मैच में। और डेनियल सैम की बात करें लास्ट 5 मैचों की तो 3 रन, 21, 1, 22 और 5 मैचों में इसने 4 विकेट निकाले, और उसमें से 2 मैचों में इसको विकेटलेस रहा है ये डेनियल सैम्स। और बेन कटिंग की बात करें तो 5 मैचों में 35 रन निकाला है, और 12 और 2 रन ऐसा कुछ इसका स्कोर रहा है। बॉलिंग तो इसने करा नहीं है। मैक एंड्रू की बात करें तो लास्ट 3 मैचों में 4 विकेट निकाला है। ग्रीन की बात करें तो लास्ट 5 मैचों में 38 रन, 3 विकेट और 3 मैचों में 0 विकेट रहा है इसका। और गिरिधर संधू की बात करें, 3 मैचों में 2 विकेट लिया है, और 2 मैचों में लास्ट उसके जो 4 मैच खेले थे ये सॉरी 3 मैचों में से 2 मैच में ये विकेट ले रहा था, एक ही मैच में 2 विकेट निकाला था इसने। उसके बाद तेनुर संगा की बात करें, 3 मैचों में 5 विकेट निकाला है, बढ़िया परफॉर्मेंस। तरवीन संगा के इस मैच में भी अच्छा करते हुए दिख सकता है। अभी टॉप परफॉर्मेंस की बात करने चलते हैं, क्रिस लिन ने 35 मैचेस में 1,018 रन किया है, 37 की एवरेज से, हाई स्कोर 101 है, 101 है और 56 है इसका। तो इस विनिंग पे बड़ा नॉक खेल सकता है क्रिस लिन। और उसके बाद ब्रायन की बात करें, ब्रायन ने भी 13 मैचों में 318 रन किया है, एवरेज 28 का है, हाई स्कोर 50 है और एक ही 50 बना है इसने 13 मैचों में। तो ये भी इस मैच में बढ़िया कर सकता है क्योंकि होम ग्राउंड है, तो अच्छा करते हुए दिख सकता है। हेजलेट की बात करें तो हेजलेट का भी बढ़िया है, 19 मैचेस में 299 रन है, 16 की एवरेज कम है,
हाई स्कोर 56 है और एक 50 है इसका। पार्किंसन की बात करें तो 29 मैचेस खेला है, 269 रन्स है इसमें, एवरेज 31-35 का है, हाई स्कोर 69 है और 52 है इसका। और बेजली की बात करें तो बेजली ने 4 मैच खेला है इसी ग्राउंड पे, 89 रन है, हाई स्कोर 49 है, 3 मैचों में बॉलिंग किया है इसी ग्राउंड पे, बट इसको विकेट लेस रहा है। बार्लेट की बात करें तो इसी ग्राउंड पे 6 मैच खेला है, 6 मैचों में इसने 6 मैचों में 7 विकेट निकाला है इसने। और मुजीब रहमान की बात करें तो 12 मैच खेला इसी ग्राउंड पे और 15 विकेट निकाले। स्वेप्सन की बात करें तो 19 मैचों में 15 विकेट इसी मैच में इसी ग्राउंड पे उसने निकाला है। तो ये मुजीब रहमान और स्वेप्सन इम्पोर्टेंट रहेंगे, अगर भी खास करके जब ब्रिस बनेट फर्स्ट बैटिंग करता है तो सेकंड इनिंग में ये लोग अच्छा करते हुए देख सकते हैं अपने को। वैसे भी सिडनी थंडर के प्लेयर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये दोनों अच्छे से विकेट निकाल सकते हैं। उसके बाद हेल की बात करें तो इसी ग्राउंड पे हेल को ज़्यादा अनुभव नहीं, 2 ही मैच खेला है इसमें हेल, उसमें 53 रन है, एवरेज 16 का है, हाई स्कोर 46 है। उसके बाद व्हाइटमैन ने 2 मैच खेला इसी ग्राउंड पे, तो 18 रन निकले हैं। और जिसकी बात करें तो 1 मैच खेला है, 4 ही रन किया है। रॉस की बात करें तो 13 मैचों में 299 रन्स है, एवरेज 27 का है, हाई स्कोर 56 है और एक 50 मारा है इसी ग्राउंड पे। डेनियल सैम्स की बात करें तो बुरा परफॉर्मेंस है डेनियल सैम्स का, 3 मैचों में 55 रन है, एवरेज 18 का है और एक मैच में 2 विकेट निकाला है बस। पेन कटिंग की बात करें तो 31 मैच है, 614 रन है, एवरेज 25 का है, 51 किया है और 28 विकेट भी है भाई के नाम पे। तो अगर बॉलिंग करता है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट रह सकता है बेन कटिंग, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो आप इसको, ग्रैंड लीग में नहीं छोड़ना है इसको। उसके बाद ग्रीन, सॉरी किधर मिस टच हो गया, उसके बाद ग्रीन किधर है, ग्रीन हाँ, क्रिस गेल की बात करें 4 मैचों में 40 रन है और 4 विकेट इसके नाम पे भाई के। उसके बाद गिरीन संधू ने 2 मैच खेला इस पर और एक विकेट है, और मैक एंड्रू ने भी 2 मैच खेल के एक ही विकेट है, तनवीर संगा ने 1 मैच खेल के 3 विकेट निकाला है इस मैच में। तो तनवीर संगा भी इम्पोर्टेंट पिक रहेगा, तो मुझे लगता है इस ग्राउंड पे स्पिनर बहुत अच्छा कर सकते हैं, पेसर से भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पेसर को तो भी कैसा है, ये मैच हो रही है ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर खेल रहे, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को उछाल का ज़्यादा अनुभव रहता है, उछाल वाली मतलब बाउंसी गेंद खेलने की उनको आदत रहती है, तो पेसर को कम विकेट मिलेगी। बट स्पिनर को कैसा छक जाते हैं बैट्समैन, क्योंकि स्पिनर का टप्पा खाकर बॉल बाउंस होता है और टर्न भी होता है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी इनको खेलने को। तो ये तनवीर संगा, मैक एंड स्वेप्सन और मुजीब रहमान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेयर बैटल की बात करते हैं तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा किसे लेना है किसने। क्रिस लिन को डेनियल सैम्स ने 13 बॉल खिला के 16 रन देके एक बार आउट किया है, उसके बाद ग्रीन ने भी एक बार आउट किया है, 27 बॉल 45 रन एक बार आउट। तन्वीर संगा का देखो 19 बॉल 27 रन एक बार आउट किया है। उसके बाद मैक्स ब्रायन की बात करो तो डेनियल सैम्स ने 15 बॉल 19 रन देके एक बार आउट किया, उसके बाद ग्रीन ने भी 7 बॉल खेल के 6 रन निकाल के एक बार आउट किया। मैक एंड्रू ने भी एक बार आउट किया है मैक्स ब्रायन को, 10 बॉल 14 रन एक बार आउट। हेजलेट को देखो डेनियल सैम्स ने 2 बार आउट किया है, 19 बॉल 28 रन 2 बार आउट किया। उसके बाद बेजली, डेनियल सैम्स ने 1 बॉल मतलब थाता ही नहीं खोला बंदे ने, डेनियल सैम्स के बॉल एक ही बार फेस किया है और एक बार आउट किया। तनवीर संगा पियर्सन, तनवीर संगा ने पियर्सन को 4 बॉल 6 रन एक बार आउट किया है। उसके बाद डकेट की बात करें तो ग्रीन संधू ने 4 बॉल 1 रन एक बार आउट किया है। उसके बाद हेल्स और मुजीब रहमान, हेल्स को देखो 18 बॉल 32 रन एक बार आउट। बार्लेट की बात करें तो 12 बॉल 17 रन एक बार आउट किया है। उसके बाद रॉस की बात करें तो स्वेप्सन ने 8 बॉल खेल के 7 रन देके 2 बार आउट किया है रॉस को। बिलिंग को देखो, बिलिंग को भी 6 बॉल 5 रन एक बार आउट किया है स्वेप्सन ने। उसके बाद डेनियल सैम्स को स्वेप्सन ने 3 बॉल, डेनियल सैम्स को 2 बार आउट किया है इसने।
स्वेपसन ने, तो स्वेपसन इम्पोर्टेंट रहेंगे अभी, तनवीर संगर, स्वेपसन और मुजीब रहमान, ये आपके प्लेयर टीम में रहने रहने चाहिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, अभी टीम की तरफ ज़्यादा, टीम बना के रखा है मैंने, तो ये जो डेमो टीम है, डकेट को भी ट्राई किया है, बिलिंग को भी ट्राई किया है, डकेट बिलिंग दोनों को ट्राई किया है, और रॉस को ट्राई किया है, हेल्स को भी ट्राई किया है, मैं क्रिसली ने हिजलेट को ट्राई किया है, ब्रायन को ट्राई किया है, बेजली को ट्राई किया है, सेप्सन, मुजीब रहमान और तन्वीर संगा। अभी टॉस के बाद क्रिसली या हिल्स, ये दोनों में से किसी ना किसी को ड्रॉप करूँगा मैं, और मे भी इसको भी ड्रॉप कर दूँ, टॉस के बाद पता चलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टॉस के बाद मिलते हैं, सबको मैच के लिए गुड लक, और टेलीग्राम पे मैं जो भी कुछ अपडेट दूंगा उससे आप बढ़िया टीम बना सकते हो और कुछ भी मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं मैच के टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।